नमस्कार न्यूज में मैं नीलम आप सभी का स्वागत करती हूं। तो आज हम आए हैं नारी सम्मान संगठन की अध्यक्ष सुंदरी ठाकुर जी से मिलने, जिनके पास रोज नए नए एप्लीकेशंस आते हैं नारी सम्मान के लिए, जो लड़कियों के साथ और नारियों के साथ जो भी आपत्तिजनक घटनाएं घटती हैं उनको ये सॉल्व करती हैं। और आज स्पेशल हम बात करेंगे इनसे, जो भी चुनावी माहौल चल रहा है उसके बारे में मैम की क्या प्रतिक्रिया है। तो मैम बताइए, जो भी चुनावी माहौल चल रहा है इसके बारे में आप क्या प्रतिक्रिया देंगे? आजकल ये सच बात है कि चुनाव का बहुत गर्मा गर्मी का माहौल चल रहा है, तो मैं ये कहना चाहूँगी आपसे कि मैं सभी से ये कहना चाहूँगी कि जो भी चुनो सोच समझ के चुनना, क्योंकि हमें 5 साल झेलना होता है। मैं किसी के हक में नहीं हूँ, मेरे लिए सभी एक जैसे हैं, बट हक में अब इसलिए आई हूँ कि जो मैंने देखा है ये 5 साल में, मैं कोई बीजेपी की बात नहीं कर रही, कांग्रेस की बात नहीं कर रही, मैं सिर्फ मोदी जी की बात कर रही हूँ कि उनकी पार्टी है बीजेपी की, वो बीजेपी के मेंबर हैं, सब कुछ है, बट मैं सिर्फ मोदी जी को इसलिए पसंद करती हूँ कि जो उन्होंने काम किया है ना, शायद आज तक मुझे, हम इतने बड़े हो गए कि हमने नहीं देखा। मैं ये मानती हूँ कि वो दिख नहीं रहा है, और ऐसा नहीं कि नहीं दिख रहा है, पर जितना लोग सोच रहे हैं उतना नहीं दिख रहा है। उसकी वजह ये है कि आज हम 100 साल से कोई भी चीज़ है, और आज हम उसको 5 साल में सोचेंगे कि ये कुछ चीज़ उभर के आए दिखे, उसके लिए थोड़ा हमें वेट करना पड़ेगा नीलम जी, क्योंकि ये जो 5 साल तो उन्होंने बोया है, ये 5 साल के बाद कटेगा तब वो नजर आएगा। क्योंकि बहुत होता है 5 साल में कुछ नहीं होता है, फिर भी उन्होंने बहुत कुछ किया। डिफेंस देखिए आप, आर्मी का देखिए आप, सबसे पहले उन्होंने जो आर्मी के लिए किया है कि उनको देखो, जहां अभी ये हादसा हुआ था, लोग मरे थे वो लॉरी में जो ब्लास्ट हुआ था उसके कन्वॉय के अंदर, उसके बाद उन्होंने जो उनको फैसिलिटीज़ दी हैं फ्लाइट में लाना ले जाना, उनके लिए बहुत बड़ा ये एक अचीवमेंट है आर्मी के लिए, जिस लेवल के लोग उसमें फ्लाइट में बैठ के जा रहे हैं। तो उसके लिए तो मैं मोदी जी को सच में कहती हूँ, सैल्यूट करती हूँ कि जो उन्होंने ये किया है ना कोई नहीं कर सकता, और जो फैसिलिटीज़ आज उनको मिल रही हैं वो भी तारीफ़ काबिल है मोदी जी का काम। बट मैं एक चीज़ से दुखी हूँ नीलम जी, मोदी जी से जब आए थे, ये सच बात है, तब मैंने कहा था कि मोदी जी आप आए हैं तो आपसे हमें बड़ी उम्मीद है, क्योंकि आप कहते कि हम महिलाओं के लिए कुछ करेंगे, लेकिन अभी तक इस चीज़ में आप पीछे हैं कि महिलाओं का अभी तक सम्मान बिल्कुल नहीं है। तो मैं ये चाहती हूँ कि मोदी जी आप सारे फैसले लेते हैं, इसमें देर क्यों? तो ये बड़ा गंभीर सवाल है। अब मैं फिर वोट कर रही हूँ मोदी जी को, मेरे काफ़ी लोग भी हैं जो मुझसे पूछते हैं मैडम किसको वोट दें, क्योंकि मेरे एनजीओ में काफ़ी लोग जुड़े हुए हैं, हर जगह, दिल्ली में, नासिक में और बॉम्बे में, और मैं क्षत्रिय समाज की अध्यक्ष भी हूँ महाराष्ट्र की, तो उन लोगों में से काफ़ी लोग हैं। मैडम आप किसको सपोर्ट कर रहे हो? तो मैं कहती हूँ भाई मैं किसी पार्टी को सपोर्ट नहीं करूँगी, सिर्फ करूँगी मोदी जी को सपोर्ट कर रही हूँ। तो बीजेपी वालों के भी होंगे, कांग्रेस वालों के भी होंगे, तो मेन प्रॉपर्टी का मुद्दा ही क्यों उठाया जाए? मेरा एक छोटा सा सवाल है, ये पार्टी को नहीं, वो आपने ठीक कहा, और ये बिल्कुल फैक्ट है कि एक राहुल गांधी के पास नहीं है, यहाँ तो बड़े बड़े गांधी बैठे हुए हैं, बहुत हैं, एक ही नहीं है। पर कहते हैं ना कि जो पकड़ा जाए वो चोर, जो नहीं पकड़ा गया वो साहूकार रहता है। तो कैसा है ना कि ये तो इनकी पॉलिटिक्स है, जब मैं आऊँगी तो मैं आपको पकड़ूंगी और वो आएंगे तो वो मुझे पकड़ेंगे, तो ये बड़ी बात नहीं है। और ये जो प्रॉपर्टीज़ भी है वो भी देख के वाकई दुख होता है, वो इसलिए होता है कि वो हमारा पैसा है,
वो हमारा जनता का पैसा है, पसीना बहा बहा के, सॉरी, हम वो पैसा जोड़ते हैं और वो हम बकायदा टैक्स भरते हैं, रोड से लेके, घर से लेके, जो भी लिया हमने अपनी मेहनत से, घर लेते हैं, कहाँ कहाँ से हम लेते हैं, लोन भी लेते हैं, लेकिन टैक्स गवर्नमेंट को भी भरते हैं, टैक्स भी लेती है, स्टैम्प ड्यूटी रजिस्ट्रेशन भी लेती है, लोन लेते हैं उसके ऊपर भी हमें भरना पड़ता है, तो मतलब मरता कौन है? जनता। और ऐश कौन करता है? सिर्फ नेता। मैम, आप कभी पॉलिटिक्स ज्वाइन करना चाहेंगी? पॉलिटिक्स, मैंने सच में कह रही हूँ, बहुत ऑफर आते हैं, मगर आप बिलीव कीजिए, मैं दरवाजे तक जाती हूँ और वापस आ जाती हूँ, क्योंकि आप शायद, मैं जहाँ बैठी हूँ और आप भी देख रही हैं, और मोस्टली मुंबई की हमारी मीडिया तो सभी जानती है, मेरे से ना झूठ बोलने में थोड़ी सी तकलीफ होती है, कि मतलब सच देख के आंखें बंद करना बहुत मुश्किल होता है। वो सोच के आप, नीलम जी, आप बिलीव कीजिए, बहुत बार मैंने कोशिश की है, ये बहुत बार लोगों को आश्वासन भी दिया, पक्का नेक्स्ट ईयर पक्का, फिर जब वो टाइम आता है ना, फिर मैं रुक जाती हूँ, पता नहीं क्यों। मैं इस बात की कसम तो नहीं खाती हूँ कि मैं पॉलिटिक्स ज्वाइन नहीं करूँगी या नहीं कर सकती, मेरे कोई, मुझे कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं है किसी की, किसी का दबाव नहीं है, बट मेरा ज़मीर गवारा नहीं करता है ये करने के लिए। मेरे एरिए में सारे लोग हैं, सारे एक से एक दिग्गज बैठे हैं मेरे खुद के एरिए में, कोई कम नहीं है, पर मैंने आपसे कहा ना, मैं किसी को वोट नहीं दे रही हूँ, मैं सिर्फ मोदी जी को वोट दे रही हूँ, घूम फिर के मैं आपसे वही बात करूँ। जरिए तक तो आपको जाना ही पड़ेगा, मोदी जी तक, मोदी जी को जिताने के लिए मेरे पास और कोई जरिया नहीं है, हर जगह तो वो मेरे, हर जगह के लिए तो वो खुद खड़े नहीं हो सकते, इलेक्शन नहीं लड़ सकते ना हर स्टेट से, तो फिर हमें किसी के जरिए से उनके पास लिफाफा तो भेजना ही पड़ेगा, हमारी चिट्ठी उनके पास भेजनी पड़ेगी, तो बस ये प्रयास कर रहे हैं, और सबसे यही कहते हैं कि आप जिसको भी चुने, प्लीज बस सोच समझ के चुने, कि हमारे देश का और हमारे भविष्य का, हमारे बच्चों का कहाँ सही और गलत हो रहा है, बस उसको सोच के आप वोट दें, बस मैं यही कहना चाहूँगी सभी से, और मैं क्या कह सकती हूँ, मैं किसी को फोर्स नहीं कर सकती, लेकिन आज जो हो रहा है, ऐसे लगता तो है कि मोदी जी आएंगे इसमें, तो सबसे पहले ऐसा कौन सा काम होगा जो आप करना चाहेंगे? सबसे पहले उनके लिए करूँगी जिनके बच्चे नालायक हैं, सीनियर सिटी, मैंने जो एनजीओ खोला, मेरा एम भी यही है कि मैं कुछ ऐसा बनाऊँ जहाँ जिनके बच्चे नहा रखते हो उन्हें मैं रखूँ। जैसे कि आप कुछ करना चाहते हैं, आपके पास कोई मुद्दा आया, केस आया है, तो कई बार ऐसा हुआ है कि कुछ रुकावटें आई हैं, और वो किस वजह से आई हैं, या फिर ऐसा भी होता है कि बहुत सारे केसेस ऐसे आ जाते हैं, आपको किसी कहीं से मदद चाहिए, सरकार से मदद चाहिए, ऐसी कौन सी रुकावटें हैं जिनको आप, जिन रुकावटों का सामना आपको करना पड़ता है? सच कहूँ, आज तक कोई नहीं आई, अभी जस्ट थोड़ा सा मेरा कहीं हल्का फुल्का हुआ है, तो मुझे ऐसे लगा कि लोग जो बोलते थे वो सच है, बट अभी वेट एंड वॉच, ऐसा हिसाब है, मैं किसी का नाम नहीं लूँगी, किसी के बारे में कुछ कहूँगी नहीं, बट थोड़ी सिंपति तो होनी चाहिए, कुर्सी लेने के बाद सिंपति नहीं भूलनी चाहिए, आपकी भी बेटियाँ हैं, सब कोई है, आपको भी याद रखना चाहिए, मेरे बेटी नहीं है मगर मैं बहुत लड़ती हूँ बेटियों के लिए, तो बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं ना कि अभी हमारे देश में इतनी कमी है, लोग कहते हैं ना कि औरत को उसका दर्जा दिया जाता है, औरत को भगवान माना जाता है, देवी का रूप, माँ के कदमों में जन्नत होती है, मैंने आपको भी वीडियो दिखाया जन्नत का, कि क्या जन्नत होती है माँ के कदमों में, जो खुद का बेटा उसको कपड़े पूरे उसके हट रहे हैं, वो एक 75 ईयर्स की लेडी को उसको क्या हश्र कर रहा है, वो माँ के और बाप के कदमों में जन्नत होती है, हकीकत है, जिसने उस चीज़ का आशीर्वाद ले लिया ना, लाइफ में, ज़िंदगी में कभी दुखी नहीं होगा। सो मेरी आज की जनरेशन से तो यही अपील है, प्लीज़ अपने पेरेंट्स को देखो,